हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग जनरल साइंस देख रहे थे, उसमें बात कर रहे थे हम लोग जीव विज्ञान के बारे में, बायोलॉजी। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग 18 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, 18वां चैप्टर था हमारा मानव शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, अब 19वें चैप्टर में हम लोग बात करते हैं भोजन एवं पोषण के बारे में। आपको बता दें कि इन सभी जितने लेक्चर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ये सभी आपको प्ले लिस्ट में जनरल साइंस के नाम से सूची बनी हुई है, उसी में पढ़े हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए शुरू करते हैं इसे। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किसका बनता है? स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फैक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहाँ होता है? ग्लाइकोजन में। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव का क्या कारण है? ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? भाग प्रति मिलियन में। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो याद रखिए 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन को मुख्यतः क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला एंजाइम। मूल रूप से क्या है प्रोटीन? जैसे सिस्टम में रासायनिक क्रिया की क्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? एंजाइम। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन कहाँ उपस्थित होता है? त्वचा में उपस्थित रहता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42%। किस प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? किसमें? सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? दालों से। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? वसा ऊतक में। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर की ऊष्मा का क्षय। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा हुआ कैसे? तो याद रखिए, अपने कूबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करके। ठीक है, भोजन से किससे कितनी ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? फंक ने। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की। विटामिन ए का कहाँ से उपलब्ध होता है? गाजर से। थायमिन क्या है? विटामिन। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है? B12। साइनो कोबालमीन मीन क्या है? विटामिन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, विटामिन सी कहलाता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्वी अम्ल। स्कर्वी अम्ल क्या है? विटामिन विटामिन B12। ठीक, विटामिन। किस सब्जी से प्राप्त
किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। दलहनी फसलों में कौन सा विटामिन जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? राइजोबियम। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। ठीक है, याद रखिए। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। विटामिन डी के सृजन में कौन पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। ठीक है, याद रखिए। बात करते हैं आगे। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जनता है? विटामिन के। कौन से विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होता है? विटामिन के। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। किस विटामिन का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण है स्रोत है? आयोडीन का। कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन। सबसे अधिक आयरन किसमें होता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में क्या सम्मिलित है? कैल्शियम पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिस रोग के लिए कौन उत्तरदायी प्रोटोजुआ कौन सा है? एंटी अमीबा। आँखों को दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु किससे निरूपित किया जाता है? H5N1। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन। बेरियम मील का उपयोग क्या किया जाता है आहार नली के एक्सरे में? गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र के प्रयोग को उपयोग किया लाया जाता है? सीटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें किसकी प्रचुरता होती है? वसा की। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सेरोसिस पैदा करती है? कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। टाइफाइड किसके द्वारा पैदा होता है? साल्मोनेला टाइफी द्वारा। बीसीजी पितिरक्षण किसके लिए है? टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? वसा। निमोनिया रोग हमारे शरीर के किस अंग को ग्रसित करते हैं? फेफड़ा। पूर्ण स्मृति लोग कुछ को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक। आगे बात करते हैं। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के। कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया। बच्चों में अंग की अस्थियां उसकी कमी से किसकी कमी से मुड़ जाती हैं? विटामिन डी। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डाईयूरेटिक। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। पीत ज्वर किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ई डिजीज द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है?
याद रखिए विटामिन ए। जापानी इन्फ्लाइटिस का कारक क्या है? विषाणु। दो शिफ्ट वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित विक्रम कौन सा है? पराशरण। पीलिया में क्या दुष्प्रभावित होता है? यकृत। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में कौन से घुलनशील विटामिन हैं होते हैं? कैल्सीफेरॉल, केरोटीन व टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में किसकी क्या होता है? विटामिन ए। एनोस्मिया किससे को कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, यह अधिक कैलोरी के लिए आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। दुग्ध में उपस्थित केसिन क्या है? प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना जिसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी इंसेफेलाइटिस। कुनैन के अतिरिक्त कौन सी शासकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? आर्टिथर। न्यूट्रा स्यूटिकल्स उत्पाद के कौन से प्रभाव होते हैं? पोषक और औषधि प्रभाव। कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? एटाई इटाई। काला जार का रोग वाहक कौन सा है? सिकटा मक्खी। श्वेत फुसफुस रोग किसमें पाया जाता है? सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। आगे बात करते हैं, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है? जीडोवुडीन AZT। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन सा है? एम्फेसेमा। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन। संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। मनुष्य में मरकरी के विषाक्त से कौन सा रोग होता है? मिनामाता। ठीक, कहाँ काम करने वाली व्यक्तियों को ब्ले लंग रोग हो जाता है? कोयला खान में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाइटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में। दास्र कोशिका अरक्तता रोग किसमें असामान्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं में। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? 4000 कैलोरी। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन B। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। स्कर्वी रोग के इलाज में क्या उपयोगी है? आंवला। BMD परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग किसके कारण मरते हैं? सिरोसिस।
सरल गलकंड घेंगा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि को। मलेरिया का संक्रामक चरण कौन सा है? बीजाणु, बीजाणुज, ठीक है, स्पायरोजोआइट, स्पोरो जोआइट। मलेरिया का संक्रमण चरण कौन सा है? बीजाणु, स्पोरो जोआइट। कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा। छोटी माता चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? डीएनए विषाणु द्वारा। काली खांसी, काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की। मायोपिया रोग किसका का संबंध किससे है? आँख से। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन। चेचक होने का क्या कारण है? वेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? केरोटिन। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग। अन्न किसके समृद्ध स्रोत होते हैं? स्टार्च से। वसा में कौन विलेय नहीं होता? विटामिन B12, B1, B। कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोवाल्ट 60। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। आगे बात करते हैं। सनशाइन विटामिन कौन सा है? विटामिन बी, विटामिन डी। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। विटामिन B6 की कमी से मनुष्य में क्या होता है? अरक्तता। पीलिया किसका प्रतीक है? यकृत की बीमारी। चेचक के प्रति टीकाकरण में किसका समावेश किया जाता है? जीवित पितिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तजन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किए गए? विटामिन ए। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? अंत आंत में, दीर्घ अस्थि में। इंसुलिन अंतरस्राव क्या है? हार्मोन। मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरण में सर्वाधिक सुप्रभाव है? आँख। मसूड़ों से रक्त स्राव को कौन रोकता है? स्कर्विक एसिड। लार किस में पाचन मदद करती है? स्टार्च में। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? अंतरिम आयु। रक्त कैंसर का लक्षण किस में सामान्यतः वृद्धि है? श्वेत रक्त कोशिका में। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर मुख्यतः किससे संबंधित होता है? धमनियों का कठोर हो जाना। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? जोड़ का प्रतिस्थापन। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? जस्ता। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है जो भोजन के पाचन में सहायता? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा अंग वसा का भंजक कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। पिटुलिज्म क्या है? एक प्रकार का भोजन प्रदूषण जो कोलेस्ट्रीडियम जीवाणु द्वारा होता है। अमीबियासिस किसके द्वारा होता है? एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका से। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है? डीएनए, आरएनए, अमीनो अम्ल, प्रोटीन्स। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग किस में होता है? डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। थायरोट्रोफिक हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? मास्टर ग्रंथि से। पृथ्वी पर विद्यमान जल की कितना प्रतिशत मनुष्य के उपयोग हेतु है? तो याद रखिए ऑप्शन
0.001%। पृथ्वी पर विद्यमान जल का कितना प्रतिशत मनुष्य के उपयोग हेतु है? तो याद रखिए 0.01% केवल। अब सोच लीजिए कितना है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा 19वां चैप्टर भोजन एवं पोषण से संबंधित। 20वां होगा अंतरास्रावी तंत्र और हार्मोन से संबंधित, ठीक है, याद रखिए।